आज आपके बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फारूस ड्राइव में। तो दोस्तों मैं आज आपका नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों मैं आपके लिए भी एक नई और शानदार ट्रैक्टर वीडियो लेके आया जो कि है अपना 17855 FE। आप देख सकते हो पीछे अपनी कढ़ाई। तो दोस्तों जो ये मॉडल है ये अपना साइड गियर वाला मॉडल है जो कंपनी ने नया लॉन्च किया है। तो आज हम इसकी खूबियों के बारे में बात करेंगे और मेनली दोनों ट्रैक्टरों में क्या क्या डिफरेंस है। जैसे अपने ट्रैक्टर ये खड़ा है 17855 ये है और एक ये है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, कितने का स्पेस है सीटों के बीच में, क्या क्या स्पेसिफिकेशन ज़्यादा हैं। जैसे ये बड़ा ट्रैक्टर अपना 16 के टायरों में है, ये वाला साइड गियर वाला, और जो पीछे वाला ट्रैक्टर है ये अपना 14 के टायरों में है। तो बात करें दोस्तों इस ट्रैक्टर की, ये है अपना 5 स्टार और सॉलिड पावर लिख रखा है। 5 स्टार वाला जो ट्रैक्टर आता है वो अपने, मैं बता दूँ आपको, वो 55 HP कैटेगरी में आता है। फ्रंट प्रोफाइल से बात करें तो आपको कंपनी से फिटेड कोई बम्पर नहीं मिलेगा और एडजस्टेबल एक्सल मिलेगा, सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग मिलेगा इसके अंदर, और फ्रंट टायर भी मिलेगा 7/16 का फ्रंट टायर मिलेगा। जो ये वाला मॉडल है दोस्तों इसके अंदर आपको CH का टायर दे रखा है 7/16 का सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग के साथ। 3 सिलेंडर का इंजन है इसके अंदर और बॉस का इनलाइन पंप है और इसका आपको वेट टाइप 3 स्टेज एयर क्लीनर मिलेगा। और यहाँ से इसका ये बोनेट खुलेगा, इसके ऊपर करने से सिंगल पीस बोनेट दिया गया है, साइड में साइलेंसर दिया गया है इसका। तो इसका इंजन आपको कुछ ऐसा मिलेगा, 3 सिलेंडर इंजन है ये, इसकी नोजल सप्लाई मिलेगी आपको यहाँ पे, और ये इसका रेडिएटर कूलेंट। और मैं आपको दिखा दूँ रेडिएटर आपको इसके इंटरकूलर के साथ, इंटरकूलर के साथ इंजन सिंपल रेडिएटर दिया गया है उसके साथ कूलेंट के साथ, कूलेंट कूल डिश का इंजन दिया गया है और ये अपने आप खुल जाता है, यहाँ पर अटक जाता है, नीचे नहीं आएगा, इसके बाद नीचे धक्के बनाते हुए नीचे आएगा। और आपको सामने क्रोम में स्वराज की बैलिंग मिलेगी और शेयर की तथ्य जैसी आंखें मिलेंगी इसकी। यहाँ पे आपको 17855 FE की ब्रांडिंग मिलेगी, नीचे रिवर्स पीटिंग ब्रांडिंग मिलेगी नीचे, और सिंगल लाइटिंग होने के साथ ये टायर को घुमाने के लिए एक डंडी मिलेगी इसकी। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस ट्रैक्टर देता है, देख सकते हो आप कितना ग्राउंड क्लियरेंस ट्रैक्टर दे रहा है। तो बात करते हैं ट्रैक्टर के पॉजिटिव पॉइंट्स की, 17855 की। दोस्तों बहुत पीछे से डिमांड आ रही थी साइड गियर में इसको लॉन्च किया जाए, तो कंपनी ने इसको साइड गियर में तो लॉन्च कर दिया। इस ट्रैक्टर की बात करें तो ये टॉर्क प्रोडक्शन, इस ट्रैक्टर की बात करें इसका जो टॉर्क प्रोडक्शन है वो है 213 NM, जो बहुत अच्छा खासा टॉर्क प्रोडक्शन करता है, आराम से 12-13 फीट ट्रॉली को तो कुछ मानता भी नहीं, ऐसे पीछे पड़ता रहा ट्रैक्टर में, जोर की कोई कमी नहीं मिलेगी आपको, तगड़ा जोर लगा ट्रैक्टर। अब आपकी मर्जी है आपको सेंटर गियर वाला ट्रैक्टर लेना है या साइड सीट वाला मॉडल लेना है, मैं अब इसको इसकी कमियाँ भी बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, तो वीडियो को पूरा देखना। तो बात करें इसकी इंजन सीसी की, तो इसके अंदर आपको 3307 CC का इंजन मिलेगा और 55 HP मैंने बताया एक कैटेगरी में है आता है ट्रैक्टर। दोस्तों ट्रैक्टर की बात करें मैक्सिमम स्पीड की, तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड रहेगी वो आपकी 33 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड, और जो रिवर्स स्पीड रहेगी इसकी वो रहेगी मैक्सिमम 15 किलोमीटर पर आवर। और वाटर कूल्ड इंजन जिसमें तो पहले कूलेंट कूल्ड बोला है, जैसे ये वाटर कूल्ड इंजन है सॉरी इसका, विद नो लॉस टैंक। बात करें ट्रैक्टर की, एक नई चीज़ है जो मैंने आज देखी है इसके, एक यहाँ पे RMI की ब्रांडिंग आने लगी, उस वाले जो सेंटर शिफ्ट वाले मॉडल में आपको RMI की ब्रांडिंग नहीं मिलेगी, इसके अंदर साइड शिफ्ट वाला जो ट्रैक्टर आया है इसके अंदर आपको RMI की ब्रांडिंग मिलेगी। यहाँ पे वो साइड और दिखाता हूँ मैं आपको, है या नहीं है देखो, यहाँ पे भी आपको RMI की ब्रांडिंग मिलेगी और अलग अलग पंप है इसके, हाइड्रोलिक के पावर स्टेरिंग के अलग अलग पंप दे रखे हैं कंपनी ने, बड़ी बैटरी है और बड़ी डायनेमो, जिस फॉरन ट्रैक की तरह छोटा डायनेमो नहीं है, फॉरन ट्रैक का डायनेमो जल्दी बोल जाते, छोटा डायनेमो देते हो। तो बात करते हैं इसके इंजनेटेड RPM की, जो ट्रैक्टर का जो अपनी फुल पावर प्रोडक्शन करेगा वो करेगा 2000 RPM पे। इसके अब ये लो हाई मीडियम में आ गया, तो आप देख लेना इसे कितने गियर बॉक्स होगी, कितने गियर होगी, ये लो हाई मीडियम और इस साइड ये है 1 रिवर्स और 1 2 3 4, देख लेना 3 4 4 12 और 3 रिवर्स स्पीड 15 स्पीड के साथ ट्रैक्टर आपको मिलेगा। सो जो क्लच साइज है दोस्तों वो आपको मिलेगा 305 mm डायाफ्राम का, और जो इसकी क्लच टाइप है आपको डबल क्लच और ड्यूल क्लच दोनों में उपलब्ध है ट्रैक्टर। पीटो टाइप इसकी 6 पॉइंट पीटो टाइप है, 1000 RPM पे अपने कंट्रोल से पूरे कर लेता है ये,
और इसकी मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ है। लिफ्ट कैपेसिटी इसके अंदर ध्यान नहीं है, लगभग इसके 18 सेकेंड जी या 15 सेकेंड जी के आसपास इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है जो यहाँ तक मेरे ध्यान में है। डिटेक्टर की बात करें लेंथ की, वो 3420 mm मिलेगी आपको, हाइट ट्रैक्टर की जो 2275 mm मिलेगी, देख सकते हो ट्रैक्टर की हाइट। और जो व्हील बेस ट्रैक्टर का वो मिलेगा आपको 2050 mm और 20 कुंटल 20 किलो का ट्रैक्टर है अपना, मतलब 2020 किलो का। अब बात करें, अब जैसे ये स्वराज को मुझे बेस्ट चीज़ लगती है, आप पीछे कोई इंप्लीमेंट जोड़ रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर बैठे, आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, इसको यहाँ से कंट्रोल, लिफ्ट यहाँ से ऊपर नीचे इसकी इस बटन से इस डंडे से हो जाएंगी यहाँ से। और डबल QRC का कूलर मिलेगा इसका, और प्लास्टिक का टूल बॉक्स है, बीचों डंडा है। अब मैं आपको इसकी वो दिखाता हूँ गियर पोजिशन कैसी क्या है। ऊपर चढ़ने के लिए आपको एक पेडल दिया गया है यहाँ पे, आपको पेडल चढ़ने में दिक्कत ना हो कोई, और दमदार वाली ट्रैक्टर की फीलिंग आ रही है। तो बात करें, बिल्कुल आपके रीच में दिए गए हैं ये लो, मीडियम, ये हाई। एक आपको एक बात बता दूँ, जो कंपनी ने जो पहले कंपनी ने जो ट्रैक्टर टेस्टिंग के लिए भेजती है स्वराज जो भी, तो जब लो है मीडियम तो ट्रैक्टर भेजे थे, उसके अंदर ये दो जैसे लो न्यूट्रल मीडियम न्यूट्रल फिर आई है, इसमें जो उस टेस्टिंग के लिए आए थे सिर्फ इसमें सिर्फ लो मीडियम आए थे। और यहाँ पे आपको ये वाला लीवर आपको बिल्कुल रीच में है, थोड़े है हार्ड तो है। उसकी ओर दिखाता हूँ गियर चेंज करके, इतना हार्ड तो नहीं है ये, वो ज़्यादा हार्ड पड़ रहा है इससे, सेकंड गियर पड़ रहा है इसका, और ये हार्ड तो दोस्तों इतना हार्ड तो नहीं है, वो ज़्यादा हार्ड पड़ रहा है। ये इसके हैंड ब्रेक और यहाँ पर ब्रेक है, और इसके अंदर आपके यहाँ पर जाली मिलेगी फ्री वे, इसके अंदर आपको एयर इनटेक मिलेगा, यहाँ से फर्स्ट ईयर सेकेंड एंड थर्ड, इसके अंदर आपको थ्री वे इनटेक मिलेगा ट्रैक्टर के अंदर। और दोस्तों जान तगड़ा ट्रैक्टर है ये, डबल क्यू आर सी कपलर मिलेगा इसके अंदर आपको। अब मैं आपको दोस्तों यहाँ पीछे से इसकी लिफ्ट ऑपरेट करके दिखाऊंगा ट्रैक्टर की, अभी हम दिखाई है सबसे ज़्यादा टाइम बताने वाला स्वराज इसके अंदर दे दिए, बहुत ही सबसे बेस्ट स्वराज जो दे दिए ये वाला फीचर लगा है। अब इसके अंदर आप बार बार देखिए ऊपर नीचे नहीं जाना वाले किसान को, और जो कंपनी बीच डंडा दे दी कंपनी ने, तो इसके अंदर आपको वाइब्रेशन फील नहीं होगी ट्रैक्टर के अंदर, थोड़ी बहुत आती हैं वो बिल्कुल वॉरंट के अंदर नहीं आएंगी इससे। और इसका जो आपको हिच मिलेगा वो आपको एडजस्टेबल हिच मिलेगा, और इसके अंदर जो ये टॉप लिंक के लिए जो जॉइंट दिया गया है थ्री पिन के थ्री हुक दिए गए इसके अंदर स्वराज, और जैसे मैंने बताया डबल क्यू आर सी कपलर, और ट्रॉली उठाने के लिए आपको इसके अंदर अलग से लीवर दिया रखा है सीट के पास। और इसकी मैं आपको बता दूँ एडजस्टेबल सीट है आगे पीछे ऊपर नीचे दोनों एडजस्टेबल सीट है, जिसका पीटीओ क्लच और जिसके पीछे वाला एक्सल आप देख सकते हो कितना है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।